हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा रविशंकर। मैं आपके लिए टेस्टी रेसिपीज लेके आने वाली हूं। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रभास किचन। आज हम बनाने वाले हैं टी टाइम स्नैक आइटम। ये स्नैक आइटम बहुत टेस्ट बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी बने हैं। ये आप महीना भर खा सकते हो स्टोर करके। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे बनाएं। स्नैक आइटम बनाने के लिए मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इसी तरह थोड़ा बड़ा बाउल लिया है, इसमें मैंने डाला है 2 कप बेसन, इसके साथ साथ 4 कप चावल का आटा। 2 कप बेसन के लिए 4 कप, यही कप से मैंने मेजर से लिया है 2 कप बेसन और 4 कप राइस चावल का आटा। अभी इसमें टेस्ट का आंसर नमक डालेंगे 1.5 चम्मच। अब टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो नमक। इसमें अच्छा कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1/2 चम्मच हिंग। हिंग डालने से इसका खुशबू और टेस्ट अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ 2 चम्मच अजवाइन, इसको अच्छी तरह इसी तरह मसल मसल करके डालेंगे। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, इसी तरह डालने से इसका खुशबू अच्छा रहेगा। इस सब डालने के बाद सब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 1 चम्मच से अच्छा तरह मिक्स करके लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स किया है अभी। ये देखिए बेसन और चावल का आटा अच्छी तरह मिक्स हो गया है अभी। अब इसमें मैंने 4 चम्मच तेल अच्छा सा गरम करके लिया है। इसी तरह गर्मा गर्म तेल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तेल थोड़ा गर्म है, इसके लिए हम चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब ये तेल ठंडा हो गया है। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स और तेल के साथ मिक्स करने के बाद इसी तरह वापस मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते हमको मिक्स करना है। पहला हम तेल मिक्स किया है, इसके बाद ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते इसको अच्छी तरह सॉफ्ट बना के लेना है। ये देखिए बेसन और चावल का आटा एकदम टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। तो हमने इसमें तेल भी अच्छा सा गर्म करके डाल दिया, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये आटा टाइट बनाने से तो मुरकू यानी स्नैक आइटम बराबर नहीं आएगा। ये देखिए इसी तरह और थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और इसमें पानी और थोड़ा ऐड करेंगे। ये देखिए सॉफ्ट डो बना के लिया है, इसमें मैंने वापस तेल नहीं डाला है। गर्मा गर्म तेल डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके लिया है। ये देखिए अब इसी तरह मैंने स्नैक बनाने के लिए ये मुरकू बनाने वाला स्टैंड लिया है। ये देखिए इसको अच्छी तरह सेट करके हम तेल ग्रीस करके लेना है। इसमें पहला तेल अप्लाई करेंगे, चिपकना जाए इसके लिए हम तेल ग्रीस करके लिया है पहला। तो जो आटा हमने मिक्स करके लिया है सॉफ्ट वाला, तो हम इसमें स्टफ करेंगे इसका अंदर से। इसका पूरा भर के लिया है मैंने, ये बंद करेंगे इसी तरह। ये बंद करने के बाद ये देखिए इसी तरह इजीली आपको आ जाएगा। तो एक प्लेट पे हमने तेल ग्रीस करके लिया है। इधर प्लेट में तेल ग्रीस करने के बाद आप
धीरे धीरे इसी तरह बना के ले सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट तेल में भी डाल सकते हो। तेल में डालने से कभी भी हाथ में तो उसका वाफ आ जाते हैं तेल का, इसी की वजह से पहला प्लेट में इसी तरह बना के ले लेंगे। ये देखिए हमने सॉफ्ट बना के लिया है आटा। इसी तरह बनाने के बाद हम पहला तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो तेल गरम करने के लिए आप थोड़ा बड़ा साइज का पैन ले लीजिएगा, तब जाके हमको 3-4 फ्राई करने को मिलेगा। एक बार ये तेल में डालने के बाद ही हम गैस हाई फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए गैस हाई फ्लेम पे है। जब भी बेसन का और चावल आटे का जो हम नमकीन बनाते हैं वो टाइम पे गैस हाई फ्लेम पे रहना चाहिए, तब जाके ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब ये दूसरी साइड पलटाएंगे, ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है, अच्छा सा कलर आ गया है। हम अब ये अच्छा सा फ्राई हो गया है तेल से निकालेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से दिख रहा है आपको। ये तेल से निकाल कर बाजू में रखेंगे। आपके पास इसी तरह मेकर रहेगा तो भी, इसमें 5 होल वाला है तो आप इससे भी बना सकते हो। ये देखिए सॉफ्ट डो है, आपको जैसा मन चाहिए छोटा बड़ा उसी का हिसाब से आप छोटा बड़ा बना के ले सकते हो। जैसा डिजाइन चाहिए आप उसी डिजाइन में भी बना सकते हो इजीली। ये देखिए ये भी तेल में डालकर हम गैस फ्लेम पे रखा है। अब सब डालने के बाद ही गैस हाई फ्लेम पे रखेंगे। और सब डाल दिया है तेल में, अब गैस हाई फ्लेम पे रखेंगे। गैस हाई फ्लेम पे रहने से ही ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए हम दूसरी साइड पलटा के ले लेंगे। आप इसी तरह अच्छा सा फ्राई करके ले लेंगे। अब सब मैंने इसी तरह फ्राई करके लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत क्रिस्पी भी बने हैं। वेरी टेस्टी स्नैक आइटम बनके रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना।